मैं तो गई थी गुलशन वादी की एक मशहूर मार्केट जिसका नाम है मोन मार्केट। ये बिल्कुल मेन पे है। अगर आप जाते जाएं दो कदम सामने देखें तो आपको नजर आएगा जीदीस। जीदीस शॉप एक बहुत अच्छी और एक बहुत मजे का यहाँ पे इनका मेन्यू है। और जब मैंने मेन्यू देखा, मेन्यू में से मैंने क्या ट्राई किया, मैंने ट्राई किया चिकन ग्रिल बर्गर विद डबल डेकर चीज एंड लॉट्स ऑफ सॉस। मतलब लॉट्स ऑफ सॉस का मतलब है कि चार नहीं पांच नहीं सिक्स सिक्स सॉसेस के साथ जो ये तैयार होगी, मैं कहती हूँ वाओ लजीज। फाइनली ये तो वो वेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें अनियन क्यूकम्बर लेटे और इसके अलावा यहाँ पे टमाटर्स थे। ये तो सब जलेंगे मेरे बर्गर में। चले मैं आपको बताती हूँ यार, जो यहाँ पे चिकन ग्रिल बर्गर का जो एक मैरिनेटेड चिकन था ना, वो जो पीस था यार, मैं कहती हूँ इतना वो जूसी और इतना वो टेंडर। तो जिंगर में होता ना, लेकिन टेंडर मुझे इसमें वो लग रहा था कि चिकन बहुत ही मज़े का उन्होंने मैरिनेट किया हुआ, तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। मतलब जो चिकन ग्रिल जब तैयार होती है ना, तो जो उसके मार्क होते हैं ना यार, सारा ही फ्लेवर उसके अंदर होता है। तो जब चिकन के पीस मज़े के ना ना हो तो समझो, या तो अच्छा ग्रिल ना हो तो समझो, बर्गर बिल्कुल फारीगा। फाइनली मुझे तो यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। और यार जब मैंने इनका सारा मेन्यू देखा, तो मेन्यू में शवामा प्लेटर्स, उसके अलावा जिंगर पैटी और डबल डेकर, बहुत टाइप्स के मतलब बर्गर यहाँ पे अवेलेबल थे। मतलब इनका मेन्यू बहुत हैवी था। तो प्लीज़ आप भी जाएँ और सबसे पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, जब तक यहाँ पे ये पीसेस रेडी होते हैं, ग्रिल होते हैं, और मेरे चैनल को आप कर दें शेयर। बन तो बाज चुके थे, बन को लाइट से ये ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद यार जो ये कस्टम मेड सॉस और इसके अलावा जो बुफलो सॉस और बारबेक्यू सॉस और चपोटले सॉस के साथ जो यहाँ पे भी सारा बर्गर तैयार होगा, आप लोग सारे तैयार हैं ना, तो प्लीज़ 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 रेडी हो जाएं। अगर पेट भरा नहीं हुआ तो भरने के लिए तैयार हो जाओ। और जो सो खा के भी धुआं निकलेगी ना, तो आपको कसम है कि आपने अगर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो मैं आपसे कुटती है। यहाँ पे तो उन्होंने सारे वेजेस ऐड किए, जिसमें लेटे आर अनियन और इसके अलावा इसमें जो थी टोमेटोज और इसके अलावा क्यूकम्बर। ये इन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक बहुत मज़े की कस्टमाइज सॉस को लेप किया एंड देन वेजेस ऐड की एंड देन जो ऐड होगा वो पीस वो जो मुझे भी नज़र आएगा क्योंकि वो ग्रिल हो गया था। और फाइनली ये इसके टू पीसेस ऐड होंगे और उसके बाद यार जो अभी सॉस की जो आए हाय हाय, मैं कहती हूँ यार मज़ा ही दोबाला हो जाता है। मैं कहती हूँ आपको जो भूख सिंगल लेवल पे होती है ना, वो डबल लेवल पे हो जाती है। क्यों? जब आप देख रहे थे ना तो आप कहते हैं यार बस जल्दी जल्दी से ये तैयार हो जाए और मेरे पेट में चला जाए। खैर यहाँ पे तो उन्होंने भी ये डाली थी चिकन सॉरी चिली सॉस ऐड की थी, उसके बाद उन्होंने ऐड की थी बफलो सॉस। यार जो बफलो सॉस होती है ना, उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। और इसके अलावा उन्होंने बारबेक्यू सॉस, और है यार मैं कहती हूँ बारबेक्यू सॉस है जैसे कोयले ही खा रहे हो, इतनी प्यारी स्मोकी स्मोकी इसमें से खुशबू आती है, उसका टेस्ट भी बहुत प्यारा होता है। और इसके अलावा उन्होंने एक और ऐड की थी, वो थी ठहरे मैं भूल गई वो थी कौन सी थी, वो हमें मुझे याद आ जाएगी, वो थी चपाटले सॉस। जो पाटले सॉस मैं कहती हूँ यार बहुत ही मज़े की होती है, वो एक बहुत एक स्पेसिफिक टेस्ट देती है। और जिस भी बर्गर में चपाटले सॉस हो काइंडली उस बर्गर को अपने खाना मिस नहीं करना। हाँ यहाँ पे उन्होंने ऐड किए सम मशरूम्स और कुछ ऑलिव्स, और बाद में उन्होंने मज़ेदार सी यम्मी टिक्की क्रीम है और मतलब ऐड की। और आप देखेंगे इतना ये बर्गर मेसी हो गया, मतलब कुछ फुल ऑफ सॉस के साथ में। मैं कहती हूँ यार डाडू मज़ा आए रे, डाडू मज़ा आए रे, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो आप ये सोचिए जब मैं खाऊंगी तो मेरा पेट भी किड पड़ेगा और मैं खा के इसको अल्लाह का शुक्र अदा भी करूँगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी यहाँ पे जाएं खाएं और मुझे रिव्यू भी दीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ये आज बर्गर मतलब जिसका मैंने आपको रिव्यू करवाया, अगर आपको इसका पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे ब्लॉग्स एज यूजुअल शेयर करना ना भूलिएगा। मैं तो उसको खाऊंगी, लेकिन वाकई यार बड़ा यम्मी था, मज़े का था और मुझे तो लगी बहुत ज़्यादा भूख, और मैं बैठ कर उसको इंजॉय करूँगी। और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।